अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता एक हफ्ते से 3 फरवरी से जो न्यूज आ रही है असम से, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से जो एक साथ अरेस्ट किए जा रहे हैं, क्रैकडाउन किया जा रहा है, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के फैमिलीज को और हस्बैंड्स और फादर्स और क्लर्जी को अरेस्ट किया जा रहा है चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के तहत। ये मसला बहुत संगीन है, बहुत सीरियस है, क्योंकि इन अरेस्ट के बाद उनकी जो बीवियां हैं, वो खवातीन जो प्रेग्नेंट है, वो खवातीन जिनके गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो घर पूरे के पूरे टूट फूट का शिकार है, क्योंकि ये गरीब बस्तियां हैं। तकरीबन जो 35 एरियाज जिसकी लिस्ट प्रेस में आई है, वो सारे के सारे गरीब बस्ती और गरीब इलाके के मासूम अवाम हैं, जिनको इस्लाह के नाम पर, रिफॉर्म के नाम पर चाइल्ड मैरिज के तहत एक तरह से उनके मैरिजेस को डिसॉल्व कर दिया गया, और फिर उसके बाद ये डिसॉल्व स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कर दिया गया और कह दिया गया कि ये सारे के सारे जितने भी शादियां हुई हैं ये नल एंड वॉइड हैं। और उसके बाद पॉस्को एक्ट, जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस का एक्ट है, उसके तहत उनके मेल रिलेटिव्स को अरेस्ट कर दिया गया। तो ये मसला कानूनी भी है और समाजी भी है, और सियासी इसको मुद्दा बनाकर इसकी सियासी फायदे उठाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन हम यहां पर ये देखें कि सबसे पहले ये इंसानी मुद्दा है, ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है और वुमेन्स राइट्स का मुद्दा है। एक मिसाल देखिए आप, कि एक खातून अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर जो है उनका एंटीनेटल कार्ड बनाने के लिए उनसे आधार कार्ड पूछती हैं। वो बच्ची अपना आधार कार्ड देती है, डॉक्टर देखती है कि इनके आधार कार्ड के हिसाब से इस बच्ची की उम्र 18 साल की है या 17 साल की है। तो बजाय उस बच्ची का कार्ड बनाने के, डॉक्टर फौरी फोन कर देती है पुलिस को कि ये जो लड़की मेरे क्लिनिक में बैठी है, ये लड़की अंडर एज है और इसकी शादी हो चुकी है। तो फौरी पुलिस आकर उस लड़की के वालिद भाई और जो खाजी साहब है उनको अरेस्ट कर देती है। अब ये जो प्रेग्नेंट खातून है, इन्होंने, इनकी अम्मी ने जब इनका आधार कार्ड बनाया तो उस वक्त अंदाजे से उम्र लिखा दी। उनको नहीं पता था कि ये चीज एक दिन उनके दामाद को जेल भेजेगी, उनके शौहर को जेल भेजेगी, यानी दोनों फैमिलीज की तरफ से एक एक मेल पर्सन को अरेस्ट कर दिया जाएगा। ये जो कोशिश असम स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हुई, एक सिस्टमैटिक क्रैकडाउन, जहां पर सारे जगह ये तिला यानी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हॉस्पिटल्स को और आशा वर्कर्स को कह दिया गया, और एक ही हफ्ते के पीरियड में 4000 से ज्यादा केसेस बुक होना, 2500 अरेस्ट्स होना, उसमें 2050 जो है मुस्लिम कम्युनिटी से अरेस्ट्स, ये सब चीजें बहुत ज्यादा यहां पर इस पे हमको गौर फिक्र करना है कि चाइल्ड मैरिज एक्ट वुमेन के वेलफेयर के लिए है, ताकि उनकी एक मैरिजेबल एज हो। हम सब जानते हैं कि इस मुल्क में मुसलमान तो 14 से 18% ही हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की है, और 12 मिलियन गर्ल्स उनके पास चाइल्ड मैरिज के मेजॉरिटी कम्युनिटी में है। लेकिन हमको टारगेट बनाया जा रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है, और अगर हम पिछले रिपोर्ट्स सब देखेंगे तो मुसलमानों का पॉपुलेशन, मुसलमानों की फैमिली साइज, इसके बारे में चीफ मिनिस्टर असम वक्तन फवक्तन बयानात देते ही रहते हैं। यानी मुसलमान और उनका मैरिज सिस्टम और उनकी फैमिली सियासी पार्टियां निशाना बनाए हुए हैं। अब इसके बाद एक रिफॉर्म मेजर के तौर पर जो चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत जिस तरह की गिरफ्तारियां हो रही हैं और खवातीन डायरेक्ट इससे मुतासिर हैं, वो खवातीन पुलिस स्टेशंस के सामने रो रही हैं, एहतजाज कर रही हैं, लेकिन क्योंकि ये मैरिजेस एक स्टेट गवर्नमेंट के फरमान से डिसॉल्व हो गए, यानी जो शादियां थी, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था विच वॉज थ्रू कंसेंट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, उसको पहले डिसॉल्व कर दिया गया, उसके बाद ये शोहरों को पॉस्को एक्ट में बुक कर दिया गया, और पॉस्को एक्ट में बेल मिलना भी मुश्किल है, और कई तकरीबन 7 साल की जेल भी है और उसकी सख्त से सख्त सजाएं भी है। तो बजाय अवाम को राहत देने के,
अब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज पे न्यूज ये आ रही है कि डिटेंशन कैंप की तरह किसी जगह बड़ी जेल में इन सबको रखा जाएगा। और इस तरह का खौफ का माहौल है कि एक खातून अपनी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल नहीं जाती है इस डर से कि कहीं उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करके कहीं उनके शौहर को अरेस्ट ना किया जाए और हॉस्पिटल ना जाने की वजह से एक खातून का इंतकाल हो गया। दो लड़कियां, दो खवातीन, उसमें से एक बहन जिसके शौहर का कोविड में इंतकाल हुआ था, इस डर और खौफ से उन्होंने सुसाइड कर ली कि कहीं उनके फैमिली मेंबर्स इस एक्ट में अरेस्ट ना हो जाए। एक और खातून 17 साल की है, वो इस हैबत से उन्होंने सुसाइड कर ली कि कहीं उनकी जो शादी है उसकी वजह से उनके अब्बा अम्मी और फैमिली वाले अरेस्ट ना हो जाएं। तो इस तरह दो खवातीन की सुसाइड हुई है, एक खातून हॉस्पिटल नहीं जाकर घर में उनका इंतकाल हुआ है और बाकी के सब फैमिलीज में एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया गया। तो ये इश्यू पर हमको आवाज उठाना और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल लेवल तक हमको ये पैगाम पहुंचाना कि मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो अलाउ करता है और दो हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स है कि एज मुस्लिम मेंबर, एज ए मुस्लिम, हमको मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मैच्योरिटी इज द एज ऑफ मैरिज। हम इस मुल्क के कानून का भी पासो लिहाज करते हैं, बहुत कम मुसलमान हैं जो अपनी बच्चियों की शादियां 16 साल से कम उम्र में करेंगे, 18 साल से कम उम्र में करेंगे। सबके अंदर अवेयरनेस है और सब जो है इस कंट्री के लॉज को भी फॉलो कर रहे हैं। वो तबका जो गरीब है, वो तबका जो मजदूरी में है, ये पुअर लोकेलिटीज हैं जिनमें अवेयरनेस नहीं, और अवेयरनेस की कमी की वजह से उनके यहाँ कम उम्र में अगर शादियां हुई हैं तो शादियां हुए दो दो साल हो गए, डेढ़ साल हो गए, अब एक तरीके से सारे लोगों को अरेस्ट करना और फैमिलीज को डिस्टर्ब करना, फिर खौफ का आलम पैदा करना और फिर उस पर पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने के लिए बयानात देना कि हम ये अच्छे के लिए कर रहे हैं। अगर आप चाइल्ड मैरिज एक्ट देखेंगे तो उसमें जो है बहुत सारे प्रोविजंस हैं और इस तरह के इनडिस्क्रिमिनेट पावर्स तो नहीं है स्टेट को कि स्टेट खुद से मैरिजेस को डिसॉल्व भी कर दे और उन्हीं लोगों को पॉस्को एक्ट में बुक कर दे। देयर इज अ सीवियर लीगल लैक्यूना ओवर हियर। सेकेंड थिंग, हमको यहां पर यह कहना है कि इन खवातीन के रिहैबिलिटेशन के लिए भी इस एक्ट में प्रोविजंस हैं, उसके लिए कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट करना है कि वो घर, वो बच्चियां जो कम उम्र में उनकी शादियां हुई उनको किस तरीके से रिहैबिलिटेट किया जाएगा। तो इट्स अ बेसिक ह्यूमन राइट्स इश्यू और विमेन्स इश्यू, इट हैज टू बी क्वेश्चन, इस पे सवाल पूछना चाहिए और इसके साथ साथ इसके लिए लीगल रेमेडी के लिए जदोजहद करना चाहिए और उन मासूम गरीब खवातीन जो इस वक्त भीख मांगने पे मजबूर हो रही हैं, उनके लिए हमको हमदर्दी में उनके ताउन के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना वक्त की बहुत जरूरत है। असम, गुवाहाटी के जितने एडवोकेट्स इसके लिए काम कर रहे हैं, साथ ही साथ मुल्क हिंदुस्तान के जो भी एनजीओ इसके लिए फिक्रमंद हैं, उन सब से हम अपील करते हैं कि इस कॉज के लिए आप लोग जुड़े। ये खवातीन का कॉज है, मुस्लिम वेमेन का इश्यू है और ये इश्यू अवेयरनेस से, सोशल रिफॉर्म से इसकी इसलाह हो सकती है। इस तरह जुल्म बर्बरियत करके मासूम घरानों में गरीब लोगों को हैरेस करके कोई रिफॉर्म का काम नहीं हो सकता। ये जो असम स्टेट गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है और इसकी कुछ लोग तायीद कर रहे हैं, हम सख्ती से इसकी मजम्मत करते हैं और हम मुतालिबा करते हैं कि इमीडिएटली इस पे स्टे लगाया जाए। जो बयानात सरकार से आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ये 2026 तक करते जाएंगे, 2024 तक करते जाएंगे। इस पर रोक लगनी चाहिए, स्टेज पे मिलना चाहिए और वहां पर जितनी विमेन अफेक्टेड है उनको इमीडिएट रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का मुतालिबा करना चाहिए। वो तमाम तंजीमें और खवातीन जो विमेन्स इश्यूज के लिए इंटरेस्टेड हैं, मैं आप सबसे अपील करती हूं कि इसके लिए आवाज उठाएं और इंशाल्लाह उन सारी मासूम बहनों को, माओं को, बेटियों को हम एश्योरेंस दिलाएं कि उनके लिए जस्टिस होगी, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी।
अगर ये सिलसिले इस तरह चलते रहे तो एक मजलूम मासूम अवाम जो एनआरसी से अफेक्टेड है, जो फ्लड से अफेक्टेड है, अब इस वक्त उनके ब्रोकन फैमिलीज की वजह से बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ ये लोग ढकेले जाएंगे।